ये कैलकुलेटर साइज में काफी बड़ा है, इसमें प्रिंटिंग का भी फीचर है। और इस कैलकुलेटर की साइज की अगर हम तुलना करें तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने सेम यही ब्रांड जो कि कैसियो ब्रांड है, आप देख पाएंगे यहाँ पे, और ये उससे साइज में काफी छोटा है हालांकि, लेकिन सारे फीचर सेम है। कैसियो ब्रांड HR100RC है, और अगर इससे हम इसकी तुलना करते हैं तो ये इसकी अपेक्षा काफी बड़ा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। अच्छा, फीचर जो है और ऑपरेट करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा जो है पोर्टेबल नहीं है, जबकि ये वाला कैलकुलेटर जो HR100RC है ये पोर्टेबल है, और इसे आप यहाँ पे एडॉप्टर से सप्लाई देके, 6 वोल्ट का एडॉप्टर इसमें लगेगा, सप्लाई देके भी ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही इस कैलकुलेटर को आप डुअल ए साइज सेल जो है उनका उपयोग करके ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये पोर्टेबल भी है, जबकि हमारा जो ये वाला कैलकुलेटर है ये पोर्टेबल नहीं है। इससे अगर ऑपरेट करना है तो यहाँ पे इसे हमें AC मेंस की सप्लाई से जोड़ना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसको ऑपरेट करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऑपरेट करना पहले ही सिखा चुका हूं, तो इस वीडियो में हम इसका टेयर डाउन ही करेंगे। तो यहाँ पे इसका मॉडल आप देख पाएंगे, ये कैसियो ब्रांड का है, DR120R। तो ये जो है इसकी डिस्प्ले काफी ब्राइट होती है, यहाँ पे डिस्प्ले में काफी बड़ा अंतर है। इसमें इलेक्ट्रोल्यूमिसेंट डिस्प्ले यानी ELD डिस्प्ले का उपयोग किया गया है, तो इसलिए ये काफी ब्राइट डिस्प्ले वाला कैलकुलेटर है। यहाँ पे इस पार्ट को हम निकालते हैं, आप देखेंगे कि अभी चूंकि इसमें टेप वगैरह लगा है, मैं इस तरह से इसे निकाल देता हूँ, और इसमें जो पेपर रोल लगता है वो हमारा इस जगह पे लगता है, आप देखेंगे इस जगह पे हम पेपर रोल लगाते हैं, और जिससे कि हमें स्लिप जो है ये प्रिंट करके देता है। यहाँ पे इसकी कॉटेज जो है आप देख पाएंगे, रिबन कॉटेज इसमें इस्तेमाल की जाती है, और 2 कलर की ये कॉटेज है यानी रेड और ब्लैक, 2 कलर में ये प्रिंट आउट देता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने देखा, ये जो ऊपर का प्लास्टिक का पार्ट है यहीं पे स्लिप को आप टियर कर सकते हैं। इसमें ये पार्ट हम साइड में रख देते हैं, और अब हम इस कैलकुलेटर को खोलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके बैक साइड में इस साइड पे 2 स्क्रू लगे हैं, एक स्क्रू यहाँ पे लगा है और 3 स्क्रू यहाँ पे लगे हैं। चलिए हम इसे खोल देते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरह से, मैं इसे जल्दी से खोल देता हूँ, और ये प्रिंट कैलकुलेटर जो है 2 कलर में हमारे जो डिजिट है उनको प्रिंट करता है। जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ब्लैक में होगी, और जो निगेटिव वैल्यू है वो रेड में होगी, तो इस तरह से ये प्रिंट करता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं स्क्रू ड्राइवर इस तरह से कई जगह पे इसके जो हाउसिंग है उसे लगा के और इसे खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हम इसे खोलते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे इस जगह हमने स्पेस बना लिया है, और अब बस ऐसे ही हमें कई जगह पे स्पेस बना के और इसकी हाउसिंग जो है उसे खोलना होता है। तो इस तरह से हम स्पेस बनाते हैं स्क्रू ड्राइवर अंदर हाउसिंग में गैप में डाल के, और इसे हम धीरे धीरे से खोलते हैं। यहाँ पे एक साइड हमने इसे खोल दिया है, इसी तरह से अब हमें दूसरी साइड भी इसे खोलना होगा। तो इस तरह से मैं स्क्रू ड्राइवर जो है इसमें अंदर हाउसिंग में गैप में डाल के और इसे खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके बाद हम इसके इंटरनल पार्ट्स जो हैं उन्हें देख पाएंगे। तो मैंने इसे खोल दिया है, अब हम इसका जो अपर हाउसिंग पार्ट है उसे अलग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा है कैलकुलेटर, इसलिए हमारे कैमरे में पूरा नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मैंने इसे इस तरह से खोला है, और अभी इसमें काफी कुछ हमें और खोलना होगा। यहाँ पे काफी सारे स्क्रू लगे हैं जो कि इसके कीपैड की साइड में है, तो इन सभी स्क्रूज को मैं धीरे धीरे से खोल देता हूँ। यहाँ पे सारे स्क्रू खोलने के बाद हम इसका कीपैड जो है उससे खोल पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरह से सारे स्क्रू निकाल दिए हैं, और यहाँ पे अपर साइड की हाउसिंग में कीपैड है जिनमें काफी सारी कीज हैं, और वहीं पे ये रबर पैड जो है ये लगा हुआ है, रबर पैड पे कॉन्टेक्ट हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसमें कुछ स्लाइडिंग स्विच भी लगे हुए थे जिनमें निकल कोटेड कॉन्टैक्ट जो है वो लगे हुए हैं, जिनसे हम अलग अलग ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते थे। तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कीपैड का मेन बोर्ड है, और इसमें भी काफी सारे स्क्रू अभी लगे हुए थे जिन्हें मैंने अलग कर लिया है, और यहाँ पे आप इसमें बने हुए पैड्स जो हैं उन्हें देख पाएंगे। और साथ ही आप ये देखेंगे ये इसका मेन बोर्ड है, इसमें आप देखेंगे इस बोर्ड में 2 IC लगी हुई दिखाई देंगी, इनको मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। साथ ही इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हैं वो लगे हैं। यहाँ पे इसकी ELD स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ELD स्क्रीन के बारे में मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, आप वहां पे जाके जानकारी कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि इसके इस साइड पे यहाँ पे 3 IC और लगी हैं, तो इन IC को भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे ये इसकी जो प्रिंट यूनिट है उसके लिए सिग्नल पहुंचाती हैं।
तो यहाँ पे इस पूरी यूनिट को पावर सप्लाई पहुंचाने का काम यहाँ पे हमारे मेंस केबल द्वारा इस एडाप्टर से होता है। ये एडाप्टर जो है अलग अलग वोल्टेज आउटपुट करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट यूनिट को अलग वोल्टेज चाहिए, कैलकुलेशन यूनिट को अलग वोल्टेज चाहिए, ईएलडी यूनिट को अलग वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे पार्ट नंबर आप देख पाएंगे, ये जो पावर सप्लाई है इसका पार्ट नंबर आपने देखा यहाँ पे, ये प्रिंट यूनिट है। प्रिंट यूनिट जो है ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है और यहाँ पे ये काफी फास्ट प्रिंटिंग करती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे आप 3.5 लाइन पर सेकेंड की स्पीड से प्रिंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई को मैंने इस तरह से रिमूव किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख पाएंगे इस साइड पे ये 3 IC लगी हुई है, ये हमारी ईएलडी स्क्रीन है, यहाँ पे हमारे पावर एडाप्टर के कनेक्शन होते हैं, और साथ ही अपोजिट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक चिप जो है ये माउंट है इसी पीसीबी पे। ये कैलकुलेटर की मेन चिप है जो कैलकुलेशन करते हैं, जितने भी कैलकुलेटर होते हैं इसी तरह की चिप आपने उनमें लगी हुई देखी होगी। तो इस तरीके से ये जो कैलकुलेटर की चिप है इसको अलग से वोल्टेज देना होता है। यहाँ पे पावर सप्लाई से 5 वोल्ट जो आउटपुट होता है वो यहाँ पे जाता है और इस चिप के लिए वो सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी चिप जो है वो ऑपरेट होती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये व्हाइट सर्किल है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में हमारी जो कैलकुलेटर की मेन चिप है वो लगी हुई है। यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट हैं जिसमें आप ईएलडी स्क्रीन और जो भी कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं, ये आईसी, यहाँ पे प्रिंटर, इनको सभी को अलग अलग वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है इनको अलग के साथ साथ हाई भी चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि ईएलडी स्क्रीन को और भी ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट लगे हैं जिनसे इस ब्राइट ईएलडी स्क्रीन को ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा इसकी पावर सप्लाई जो है, जो मेन अडाप्टर है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है और यहीं पे एक फ्यूज लगा हुआ है। यहाँ पे आप फ्यूज देखेंगे, ये फ्यूज इसके पूरे इस बोर्ड को प्रोटेक्शन देता है और इसमें काफी सारे कंपोनेंट जो लगे हैं, इसमें कुछ वोल्टेज रेगुलेटर्स भी हैं, क्योंकि इस पूरे सर्किट को अलग-अलग वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे इसका ये कीपैड है और यहाँ पे ये कैलकुलेटर चिप जो है बस इसको ही 5 वोल्ट चाहिए, बाकी सारे कंपोनेंट जो इसमें लगे हैं इनको हाई वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे जब भी हम कीपैड में कोई बटन जो है उसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये सिग्नल जो है हमारे इस कैलकुलेशन की मेन चिप के बाद बाकी ये बोर्ड में अलग अलग तरह से वितरित होता है, जिससे कि हमारे जो प्रिंटिंग यूनिट है प्रिंटिंग यूनिट द्वारा प्रिंटआउट आउटपुट में दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस प्रिंटिंग यूनिट में भी एक मोटर लगी है, ये मोटर 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग यूनिट जो है इससे 12 वोल्ट ऑपरेट होने के लिए चाहिए। 3.5 लाइन पर सेकेंड की स्पीड से ये प्रिंट यूनिट जो है ये प्रिंटआउट आउटपुट में देती है। तो यहाँ पे इसकी आप रिबिन कॉटेज जो है उसे देख पाएंगे, डुअल कलर रिबिन कॉटेज है, यानी जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी वो ब्लैक से प्रिंट होगी, जो निगेटिव वैल्यू होंगी वो रेड से प्रिंट होगी। तो इस तरह से आपने इस प्रिंटिंग कैलकुलेटर जो है इसके बारे में जाना। यहाँ पे चलिए अब हम इसकी जो पावर सप्लाई है उससे देखते हैं। तो यहाँ पे पावर सप्लाई में भी स्क्रू लगे हैं और ये यहाँ पे इसकी हाउसिंग के साथ अटैच है। चलिए मैं इन स्क्रू को खोल लेता हूँ, जिसके बाद हम इसकी पावर सप्लाई को देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसकी पावर सप्लाई जो है इससे खोल दिया है और यहाँ पे अब हम इसको भी खोलेंगे, क्योंकि ये पूरा एक बॉक्स में पैकिंग में है, तो इसे अभी हम खोलेंगे तभी हम इसके अंदर के सर्किट बोर्ड को देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे खोल दिया है और इसके अंदर की पीसीबी जो है वो अब आप देख पाएंगे। अच्छा, ये जैसे हमारे नॉर्मल एडाप्टर होते हैं उसी तरह से होता है, बस इसमें वोल्टेज जो है वो अलग अलग निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे कई सारे अलग अलग वोल्टेज जो है वो आउटपुट में निकाले जाते हैं, जैसे 5 वोल्ट हुआ, 3.3 वोल्ट हुआ, 22 वोल्ट हुआ, इसी तरह से अलग अलग वोल्टेज जो है वो आउटपुट में निकाले जाते हैं, क्योंकि इस प्रिंटिंग कैलकुलेटर की अलग अलग यूनिट्स को अलग अलग वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरीके से ये पावर सप्लाई जो है मल्टी वोल्टेज आउटपुट पावर सप्लाई है। अच्छा, यहाँ पे हम कैसियो के अलावा अगर शार्प की बात करें तो यहाँ शार्प भी काफी अच्छे कैलकुलेटर्स जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो इस वीडियो में आपने कैसियो के DR120R के व्हाट इनसाइड के बारे में जाना, इसकी सारी यूनिट्स को हमने देखा, इसके अंदर के पार्ट्स भी हमने देखे। तो इस तरीके से इस तरह के कैलकुलेटर के अंदर कौन से पार्ट्स यूज किए जाते हैं वो आपने देखा। अगर आप इसमें यूज की गई आईसीज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैंने अभी अभी एक और यूजफुल प्रोडक्ट पे वीडियो अपलोड किया था, राइट हैंड साइड आप वो वीडियो जो है देख पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।